नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में जिस आदमी के आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है, ओन एलन मस्क ने खुलकर कह दिया है कि चुनाव पेपर बैलेट से होने चाहिए, ईवीएम आसानी से हैक हो सकती है। दोस्तों आप सोचिए, दुनिया में टेक्नोलॉजी का दादा एलन मस्क ये बात कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, कंप्यूटर प्रोग्राम हैक हो सकता है, तो फिर आप बाकी बातों के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। एलन मस्क को पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे ईवीएम के नाम पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program. Because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line. And it's really difficult to hack paper ballots. दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, इंसान हमेशा एक्सपर्ट्स की बात मानता है ना, उन्हीं पर विश्वास करता है। फॉर एग्जाम्पल, धर्म के नाम पर पंडित पर विश्वास करता है, मौलवी की बात पर विश्वास करता है, बीमारी है तो डॉक्टर की मानता है, विज्ञान के बारे में कुछ जानना हो तो वैज्ञानिक की बात मानता है। तो फिर जब ईवीएम टेक्निकल चीज है, तो फिर जनता नेताओं की बात क्यों माने? चुनाव आयोग के अधिकारी जिनको ठीक से एंड्रॉयड मोबाइल के फीचर तक नहीं मालूम, उनकी बातें क्यों माने? बात बिल्कुल साफ है कि ईवीएम बनाती है भारत सरकार की कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि भेल। भेल भारत सरकार की कंपनी है। सरकार तो मर्जी के मालिक वाले लोग चला रहे हैं, नियम कानून को ताक पर रखने वाले लोग चला रहे हैं। तो ऐसे में जब सरकारी कंपनी ईवीएम बना रही है, तो वो सरकार में बैठे लोगों की बात क्यों नहीं मान सकते? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग के मुखिया कोई हुलुलुलु से चुनाव आयोग के मुखिया बनकर तो आए नहीं है, उनको तो मोदी जी ने खुद चुना है, एक हिसाब से कहें तो नौकरी पर रखा है। तो चुनाव आयोग के मुखिया सत्यवादी हरिश्चंद्र होंगे, इसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं। तो जब ईवीएम हैक हो सकती है, मशीन बनाने वाला मशीन को हैक कर सकता है, तो फिर ईवीएम किसी भी तरीके से भरोसे लायक नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये वीडियो आपको डराने के लिए, भड़काने के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं कोई बुजुर्ग सटकी हुई पत्रकार नहीं हूं जो आपको डराऊंगी। अरे डरिए मत, लॉजिक सुनिए, समझिए। और लॉजिक ये है कि मशीन कोई भी हो, सही काम करती है जब तक वो खराब ना हो जाए। मानते हैं आप इस बात को, है ना? सही काम करती है जब तक वो खराब नहीं होती। और अगर मशीन को बनाने वाले की ही नीयत साफ ना हो, मशीन को चलाने वाला ही मशीन को गलत तरीके से चलाए, तो मशीन तो गलत चलेगी ना। अब यहां मशीन के विश्वास से ज्यादा मशीन जिनके हाथों में है, उनकी मंशा पर सवाल है, क्योंकि वो दूध के दुले होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है गुरु। इसलिए एलन मस्क के बयान को दुनिया बहुत गंभीरता से ले रही है। अमेरिका, जिसने मशीन बनाई, वो बैलेट पेपर पर चुनाव कराता है, और हमारा चुनाव आयोग मशीन के कसीदे पढ़ रहा है। देखिए, मैं ये कहने वाली कोई नहीं हूं कि चुनाव आयोग बेमानी करता है, नो। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, ना जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। मैं ये जरूर कहूंगी कि जो राज्य बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी होता है, जिस भी राज्य में हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, वो राज्य बीजेपी जीत ही लेती है। ऐसा क्यों होता है, पूरी दुनिया सवाल कर रही है। पूरी दुनिया कह रही थी कि हरियाणा कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, लेकिन नहीं गया, क्योंकि अगर बीजेपी हरियाणा हार जाती तो बीजेपी का सर्वाइवल खतरे में आ जाता। लेकिन देखिए, चमत्कार, बीजेपी हरियाणा जीत गई। हर उस जगह पर जहां बीजेपी मुश्किल में होती है, वहां वहां जीत ही जाती है। जहां जहां बीजेपी को लगता है कि उसके लिए चुनाव जीतना आसान है, वहां वो लटक जाती है। जैसे 2024 का चुनाव ही देख लीजिए, बीजेपी कॉन्फिडेंस में थी कि अब की बार गुरु 400 पार, लेकिन हुआ क्या, अटक गई। हरियाणा में क्या था कि चुनाव तो बीजेपी हारेगी ही, यही चल रहा था। एक्स्ट्रा दिमाग लगाया गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। एक्स्ट्रा दिमाग कहां लगा, अब वो आपको सोचना है। कुछ लोग कहेंगे
तो फिर कश्मीर में एक्स्ट्रा दिमाग क्यों नहीं लगा पाए? तो दोस्तों, चोर बड़े होशियारी से चोरी करते हैं। वो ऐसी चोरी नहीं करते जहाँ पे मोर बना दिए जाए, जहाँ एक भी वोट नहीं है वहाँ चोरी करके फंसी जाएंगे ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या? हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए, शक तो है और एलन मस्क इस शक को यकीन में बदल रहे हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी किंग ये बात कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो हैक हो सकती होगी, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। और ऊपर से जब ईवीएम चलाने वाले ड्राइवर भी मालिक की गुलामी करने वाले लोग हों, तब तो शंका और बढ़ जाती है ना। चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में लाख दावे करता है और पार्टियां ईवीएम पर लाख शक करती हैं, धांधली की बात करती हैं, लेकिन सरकार को ईवीएम हटाने में तकलीफ है। क्यों है जी तकलीफ? बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है? 4 दिन तक गिनती चलेगी यही ना, तो चलने दीजिए। जब पार्टियों को एतराज नहीं है तो चुनाव आयोग को क्यों एतराज है? 5 साल में एक बार चुनाव कराकर 5 साल फ्री में सैलरी लेने के लिए चुनाव आयोग बनाया गया है क्या? कुछ काम चुनाव आयोग भी कर लेगा तो थोड़े ना घिस जाएगा। चुनाव आयोग ईवीएम को सही बताने के लिए 50 तर्क देता है, लेकिन एलन मस्क हर तर्क को तर्क की जड़ से खत्म कर दे रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, कंप्यूटर प्रोग्राम हैक हो सकता है। ये बात एलन मस्क खुद कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। हमारे यहाँ पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है कि वेयर इज अ डाउट कट इट आउट, मतलब जहां भी जिस बात में संशय हो, शंका हो, उस बात को कहो ही मत, उस बात को हटा ही दो, बोलो ही मत, बोलो वो जो सही हो। चलते हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना इतना पाप लगेगा ना कि क्या बताऊं। साथ जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। नमस्कार।